हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्ट शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं दो कलर का ये स्वेटर बना कर ले आई हूँ। ये मैंने आबाजू का बनाया है और इसमें मैंने 70 फंदे डाले हैं। इसकी लंबाई फ्रेंड्स मैंने देखिए 13 इंच मैंने इसकी लंबाई बनाई है और इसकी चौड़ाई मैंने 10.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई बनाई है और इसमें मैंने ये वी गला बनाया है। आइए फ्रेंड्स इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करने के लिए मैंने ये 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे डालकर अब हम इसमें अपना बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए फ्रेंड्स हम अपना एक सीधा और एक उल्टे वाला पैटर्न ही बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हम अपना सीधा निकालेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपने बॉर्डर की 8 सिलाइयां निकाल लेंगे, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। ऐसे ही हम ये बॉर्डर अपना बनाएंगे और 8 सिलाइयां हम इसकी निकाल लेंगे। देखिए पहली सिलाई हमने निकाल ली है, अब दूसरी सिलाई पर हमें उल्टी साइड में, इधर से हमारा ये लास्ट का फंदा उल्टा आया है। इस फंदे को हम इधर से सीधा करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उल्टी साइड से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम बनाते हुए अपनी ये 8 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। एक मैंने निकाल लिया, दूसरी स्टार्ट है, 6 सिलाई और हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये बॉर्डर बना लिया है, इसमें मैंने ये 8 सिलाइयाँ निकाली हैं। देखिए हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 सिलाइयाँ निकालने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें अपना दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पर इससे ज्वाइन करेंगे दूसरा कलर, जो हमारा वाइट कलर का धागा है इस पर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर इस धागे को ऐसे ऊपर खींचेंगे। और अब हम इस कलर से अपनी पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये पूरी सिलाई फ्रेंड्स हम ऐसे सीधी ही बना लेंगे ऐसे। ये देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी निकाल ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से पूरी सिलाई फ्रेंड्स हम ऐसे उल्टे वाली बनाएंगे। ये सिलाई पूरी हमारी ऐसे ही निकलेगी और इसके बाद हम 4 सिलाइयाँ और फ्रेंड्स ऐसे ही निकालेंगे, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। ये टोटल हमारी 6 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। देखिए हमने अपनी ये 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें अपने पैटर्न डालेंगे। देखिए हम सबसे पहले 2 फंदे अपने इसी कलर के बनाएंगे, फिर आगे धागे करके 2 फंदे हम वाइट कलर के बनाएंगे, फिर 2 फंदे ग्रीन कलर के, फिर 2 फंदे वाइट कलर के, फिर 2 फंदे ग्रीन कलर के। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। देखिए हमने एक सिलाई अपनी पूरी निकाल ली है। अब हम उल्टी साइड हैं, उल्टी साइड से भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, हरे रंग पर हरा और वाइट रंग पर वाइट। ऐसे ही बनाते हुए हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे, 2 फंदे हरे, 2 फंदे वाइट, फिर 2 फंदे हरे। सेम हम ऐसे ही ये सिलाई भी निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमने अपनी बना ली है। अब हम इसकी सीधी तरफ हैं, सीधी तरफ से अब हम ये वाली डिब्बी यहाँ पर लेकर आएंगे और इसे इधर लेकर जाएंगे। पहले 2 फंदे अब हम अपने ये वाइट कलर के बना देंगे, इसके बाद 2 फंदे ग्रीन कलर के, ग्रीन पर वाइट और वाइट पर ग्रीन बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स जैसे हमने 2 सिलाई इसमें निकाल लिया है, यहाँ पर भी हम एक सीधी और एक उल्टी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। देखिए हमने अपनी ये 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, हमने जहाँ पर डिब्बी चेंज की थी। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स हम अपनी 4 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से बनाते हुए सीधी और उल्टी बनाएंगे।
पूरी सिलाई हम ऐसे सीधी वाली निकाल लेंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स पूरी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। सीधी सिलाई हमने निकाल ली है, अब हम उल्टी साइड हैं। उल्टी साइड से फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई ऐसे उल्टी वाली बनाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम दो सिलाई और फ्रेंड्स ऐसे ही निकालेंगे। टोटल हम ये चार सिलाइयाँ निकाल लेंगे। हमने ये चार सिलाइयाँ अपनी निकाल ली हैं, एक दो तीन और एक ये चार। चार सिलाइयाँ निकालने के बाद अब फ्रेंड्स हम एक सिलाई अपनी, एक फंदा हम हरे रंग का बनाएंगे और एक फंदा वाइट रंग का बनाएंगे। एक फंदा हम हरे रंग का बनाएंगे, फिर एक फंदा वाइट रंग का बनाएंगे, फिर एक फंदा हरे रंग का, एक वाइट रंग का। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। एक फंदा इस कलर से और एक फंदा दूसरे कलर से, ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने निकाल ली है, अब हम इसकी उल्टी साइड हैं। उल्टी साइड में फ्रेंड्स हम वाइट धागे को यहीं छोड़ देंगे और पूरी सिलाई हम अपनी, ये जो हमारा ग्रीन कलर का धागा है, इससे हम पूरी सिलाई अपनी ऐसे उल्टी बनाएंगे। आगे वाली ऐसे सिलाई बनाते हुए हम ये पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। पूरी सिलाई हमने निकाल ली है, अब हम इसकी सीधी साइड हैं। सीधी साइड से भी फ्रेंड्स एक सिलाई हम ऐसे ये सीधी सीधी निकाल लेंगे इस तरीके से। हम ये सिलाई पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे। सीधी सिलाई निकाल ली है, अब हम इसकी उल्टी साइड हैं। उल्टी साइड में अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तीन फंदे हम पहले ग्रीन के बनाएंगे, तीन फंदे वाइट के बनाएंगे, तीन फंदे ग्रीन के और तीन फंदे वाइट के। इसी तरीके से हम ये बनाएंगे। देखिए पहले हम ऐसे तीन फंदे उल्टी साइड से ये हमने ग्रीन के बना लिए, अब हम तीन फंदे वाइट के बनाएंगे। धागे को लेके चलेंगे साथ में और तीन फंदे फिर ग्रीन के बनाएंगे, फिर तीन फंदे वाइट के बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये सिलाई हम अपनी पूरी ऐसे ही निकालेंगे। देखिए हमने ये तीन उल्टे साइड से तीन सफ़ेद तीन हरे बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करी है, और लास्ट में हमारे ये चार फंदे बचे हैं, इनको हम ऐसे ही चार हरे रंग के बना देंगे। देखिए इस तरीके से हम ये चार फंदे बना लेंगे। अब हम इसकी सीधी साइड हैं, और सीधी साइड से अब हम पहले हम तीन फंदे अपने ग्रीन कलर के बनाएंगे। चार फंदे जो हमारे हैं इसमें से हम तीन फंदे बना लेंगे, फिर जो एक फंदा ग्रीन का है इसे हम वाइट बनाएंगे, और आगे के इन तीन फंदों को भी हम वाइट रंग का ही बनाएंगे। देखिए इस तरीके से अब एक फंदा और आके हम ये वाइट कलर का बना लेंगे, फिर हम एक फंदा ग्रीन कलर का बनाएंगे, फिर पांच फंदे वाइट रंग के। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये पूरी सिलाई निकालेंगे, पांच वाइट एक ग्रीन, पांच वाइट एक ग्रीन। देखिए ऐसे, और फिर एक फंदा ग्रीन का, ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे। देखिए हमने ये पूरी सिलाई निकाल ली है, और लास्ट में मेरे दो फंदे ये हरे बचे हैं, इनको हम ऐसे ग्रीन कलर का ही बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। अब देखिए उल्टी साइड से हम जो हमारे ये ग्रीन कलर के फंदे हैं इन्हें हम वाइट कलर का बना देंगे, और एक फंदा और आगे से हम ये वाइट कलर का बनाएंगे। तीन फंदे बन गए हैं, अब तीन फंदे आगे हम अपने ये ग्रीन कलर के बनाएंगे। इस तरीके से फिर तीन फंदे वाइट कलर के बनाएंगे, फिर तीन फंदे ग्रीन कलर के।
फिर तीन फंदे वाइट कलर के। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सिलाई हम अपनी पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे, तीन वाइट तीन ग्रीन, तीन वाइट तीन ग्रीन। देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई निकाल कर हम उल्टी साइड आ गए हैं, अब सीधी साइड, सीधी साइड से अब हम अपना ये दो फंदे यहाँ पर ग्रीन कलर के बनाएंगे। पहला फंदा हमारा ग्रीन कलर का ही है, एक फंदा और आगे हम ये ग्रीन कलर का बना लेंगे। अब हम एक फंदा अपना वाइट कलर का बनाएंगे, फिर दो फंदे ग्रीन कलर के बनाएंगे, फिर एक फंदा वाइट कलर का बनाएंगे, फिर दो फंदे ग्रीन कलर के बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स ये सिलाई हम बनाएंगे, दो हरे एक वाइट, दो हरे एक वाइट, ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई में अपनी बनाते हुए जाएंगे। ये सिलाई हमने निकाल ली है, अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से फ्रेंड्स देखिए एक फंदा हम अपना ऐसे ही ग्रीन कलर का बनाएंगे, फिर एक फंदा हम वाइट कलर का बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम जो हमारे ये दो फंदे ग्रीन के हैं इनको ग्रीन कलर का ही बना लेंगे, और जो वाइट कलर का है इसे भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर ग्रीन कलर का ही बनाएंगे। देखिए इस कलर का हम इसको भी बना देंगे, और आगे के दो फंदे जो हमारे ग्रीन हैं इन्हें भी हम ग्रीन ही बना लेंगे। ये हमारे यहाँ पर पांच फंदे ग्रीन के हो गए हैं, अब एक फंदा हम वाइट का बनाएंगे और फिर पांच फंदे ग्रीन के। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये पूरी सिलाई निकालेंगे, पांच ग्रीन और एक वाइट, फिर एक वाइट, देखिए ऐसे पांच ग्रीन एक वाइट, पांच ग्रीन एक वाइट बनाते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम सीधी साइड आ गए हैं, अब इधर से हम एक फंदा अपना ये ग्रीन कलर का बना लेंगे, फिर तीन फंदे हम वाइट कलर के बनाएंगे, एक दो और एक ये तीन, फिर तीन फंदे ग्रीन कलर के बनाएंगे, एक दो और एक ये तीन, फिर तीन फंदे वाइट कलर के। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये अपनी सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे, तीन वाइट तीन हरे, तीन वाइट तीन हरे, ऐसे बनाते हुए ये सिलाई हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई निकालने के बाद अब हम अपनी उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से फ्रेंड्स अब हम देखिए दो फंदे अपने ये ग्रीन कलर के बनाएंगे स्टार्टिंग के, एक और एक ये दो। अब इससे आगे हम पांच फंदे अपने वाइट कलर के बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक ये पांच, फिर हम एक फंदा ग्रीन कलर का बनाएंगे, फिर पांच फंदे वाइट कलर के बनाएंगे, चार देखिए पांच, फिर एक फंदा ग्रीन का, फिर पांच फंदे वाइट के, फिर एक ग्रीन का, ऐसे ही बनाते हुए ये सिलाई भी हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसे ही हम इसके ऊपर ये सिलाई निकालेंगे, चार फंदे यहाँ पर हम अपने ये ग्रीन कलर के बनाएंगे, दो तीन और एक ये चार, चार फंदे हमने ये ग्रीन के बना लिए। अब इससे आगे हम तीन फंदे अपने ये वाइट कलर के बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ पर तीन फंदे हम अपने ग्रीन कलर के बनाएंगे, फिर तीन फंदे वाइट कलर के बनाएंगे, देखिए ऐसे। अब तीन फंदे ग्रीन कलर के ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। हमने अपनी ये पूरी सिलाई निकाल ली है, अब हम उल्टी साइड है फ्रेंड्स, और हमारा ये पैटर्न पूरा डल गया है। अब हम इसमें अपनी एक सिलाई वाइट कलर को हम यहीं पर छोड़ देंगे, देखिए वाइट कलर को यहीं पर छोड़ेंगे, और जो हमारा ग्रीन कलर है इससे हम पूरी सिलाई अपनी ऐसे उल्टी वाली बना लेंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी ही हम ये बनाते हुए जाएंगे, इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई अपनी बना लेंगे। उल्टी सिलाई निकाल कर अब हम सीधी साइड आ गए हैं,
और सीधी साइड से एक सिलाई हम पूरी ऐसे सीधी वाली बनाएंगे। पूरी सिलाई हम ये ऐसे निकाल लेंगे, सीधी सीधी बनाते हुए ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। देखिए हमने ये सीधी सिलाई पूरी निकाल ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से अब हम इसमें देखिए एक फंदा अपना ग्रीन कलर का बनाएंगे ऐसे, और एक फंदा हम वाइट कलर का बनाएंगे, फिर एक फंदा ग्रीन कलर का, फिर एक फंदा वाइट कलर का। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये हम अपनी पूरी सिलाई निकाल लेंगे, एक वाइट एक ग्रीन एक वाइट एक ग्रीन बनाते हुए हम ये सिलाई निकाल लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी पूरी ये सिलाई निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर अपनी पूरी सीधी और उल्टी बनाते हुए चार सिलाइयाँ निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये चार सिलाई निकाली थी ऐसे यहाँ पर भी हम ग्रीन कलर से अपनी चार सिलाइयाँ निकाल लेंगे, वाइट कलर को हम इधर ही छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से बनाते हुए एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी हम ये चार सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये चार सिलाइयाँ निकाल ली हैं, एक दो तीन और एक ये चार। चार सिलाइयाँ निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर फ्रेंड्स अपनी दो सिलाइयाँ, जो हमारा वाइट कलर का धागा है इससे हम दो सिलाई एक सीधी और एक उल्टी निकाल लेंगे। पूरी सिलाई हम ऐसे ही सीधी बनाते हुए इस कलर से निकाल लेंगे। सीधी सिलाई निकाल कर उल्टी साइड है, और उल्टी साइड से भी हम एक सिलाई अपनी ऐसे उल्टी वाली बनाएंगे। पूरी सिलाई फ्रेंड्स हम अपनी इसी तरीके से निकाल लेंगे। पूरी सिलाई उल्टी निकाल कर अब हम इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड में फ्रेंड्स अब हम एक धागा अपना क्रीम कलर का बनाएंगे, एक फंदा ऐसे, फिर एक फंदा हम ग्रीन कलर का बनाएंगे, एक फंदा हम वाइट कलर का बनाएंगे, फिर एक फंदा ग्रीन कलर का बनाएंगे, एक वाइट एक ग्रीन। इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई हमने ऐसे निकाल ली अपनी। अब हम इसमें दो सिलाई, जैसे हमने ये वाइट कलर की दो सिलाई निकाल ली है ऐसे ही हम ऊपर दो सिलाई अपनी निकालेंगे। पहले हम उल्टी सिलाई निकालेंगे और फिर एक सिलाई सीधी, ग्रीन कलर को हम यहीं पर छोड़ देंगे। ये देखिए एक सिलाई हम ऐसे बनाते हुए वाइट कलर से पूरी सिलाई बना देंगे ऐसे ही, और एक सिलाई सीधी तरफ से भी ऐसे ही बनाएंगे। उल्टी सिलाई निकाल ली है हमने, अब हम इसकी एक सिलाई सीधी निकाल लेंगे वाइट कलर से ही। इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई अपनी निकाल लेंगे। देखिए हमने सीधी सिलाई निकाल ली है। अब हम यहाँ पर अपनी ग्रीन कलर से बनाते हुए फ्रेंड्स एक सीधी एक उल्टी ऐसे बनाते हुए हम जाएंगे, और वाइट धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे। देखिए वाइट धागा हमने यहाँ पर काट दिया है। अब हम इसको इसके साथ पक्का कर देंगे ग्रीन वाले धागे के साथ इस तरीके से, और अब हमारा ऊपर से ग्रीन कलर से ही बनेगा, और पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बनाएंगे ये वाली, फिर सीधी ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी बनाते हुए हम ये अपनी 21 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। 21 सिलाइयाँ हम ऐसे ही बनाएंगे, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी 21 सिलाइयाँ इसमें निकाल ली हैं। इसमें 21 सिलाइयाँ हमने निकाल के अब हम एक पीस और अपना ऐसे ही बनाएंगे। एक पीस हमारा फ्रंट साइड का होगा, एक पीस हमारा बैक साइड का होगा। हमने अपने दो पीस ये बना लिए हैं। अब इस बैक वाले पीस में फ्रेंड्स हम इसकी यहाँ से मोड़े की कटाई करेंगे, और फ्रंट वाले पीस में हम गला बनाएंगे। अब हम बैक पीस में देखिए इधर से मोड़े की कटाई करते हुए हम 3 2 1 की कटाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 फंदों की कटाई करेंगे, 1 2 और 3। अब पूरी सिलाई हम ऐसे सीधी सीधी ही बना लेंगे।
सीधी सिलाई निकाल कर अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। और इधर से भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही अपने तीन फंदों की कटाई करेंगे, एक दो और एक ये तीन, और पूरी सिलाई अब हम ऐसे ही उल्टी निकालेंगे। उल्टी सिलाई निकाल कर हम सीधी साइड हैं और लास्ट का फंदा मैंने ऐसे ही रख लिया सिलाई में। अब हम इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और इसको यहाँ पर हम एक फंदा घटा देंगे, एक फंदा और हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, इसे भी हम यहाँ पर घटा देंगे। अब पूरी सिलाई आगे हम ऐसे अपनी सीधी निकाल लेंगे, फिर दो फंदों की कटाई फ्रेंड्स हम इधर से भी इसी तरह से करेंगे। सीधी सिलाई निकाल ली है, अब हम इसकी उल्टी साइड हैं। अब हम यहाँ पर भी वैसे ही दो फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदा और हम ऐसे ही घटाएंगे। दो फंदों की हमने कटाई कर ली है और पूरी सिलाई हम अपनी ऐसे उल्टी ही बनाएंगे। अब हम इसकी दोबारा से सीधी साइड आ गए हैं और ये फंदा मैंने ऐसे ही सिलाई में रख लिया है। इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, एक फंदे की यहाँ पर हम कटाई करेंगे और पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी निकाल लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं सीधी सिलाई निकाल कर, इधर से भी अब हम एक फंदे की कटाई करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार कर ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे और पूरी सिलाई ऐसे ही हम ये उल्टी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये दोनों तरफ से मोढ़े की कटाई कर ली है। इसी तरह से हम अपने दूसरे पीस की भी कटाई करेंगे, तीन दो एक ऐसे ही कटाते हुए दूसरे पीस में भी दोनों साइड से हम ऐसे ही कटाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरे पीस की भी कटाई कर ली है मोढ़े की, जैसे हमने इसमें करी थी ऐसे इसमें करी है। अब हम इसमें अपनी मोढ़े की लंबाई पूरी करेंगे जितनी हमें लंबाई चाहिए। ऐसे ही एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी निकालते हुए हम अपनी मोढ़े की लंबाई बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये मोढ़े की लंबाई पूरी बना ली है। इसमें मैंने 6 सिलाइयाँ हमारी ये मोढ़े की कटाई की है, इसके ऊपर 28 सिलाइयाँ और निकाली है। मोढ़े की वाली सिलाइयाँ मिला के टोटल हमारी ये 34 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमारा ये बैक पीस बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने मोढ़े की 28 सिलाइयाँ निकाली हैं और 6 सिलाइयाँ नीचे कटाई की हैं, इससे हमारी 34 सिलाइयाँ निकल गई हैं। अब हम फ्रंट पीस के गले की कटाई करेंगे। देखिए हमारा फ्रंट पीस है, अब हम इसमें गले की कटाई करेंगे। इसमें फ्रेंड्स मैं वी गला बनाऊंगी। ये हमारे टोटल यहाँ पर 58 फंदे हैं, इसके मैं हाफ़ फंदे इधर रखूँगी और हाफ फंदे इधर रखूँगी। 29 फंदे मेरे इधर होंगे और 29 फंदे मेरे इधर होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं 29 फंदे ऐसे सीधे बना लूँगी। ये मैं 29 फंदे ऐसे बनाऊंगी। देखिए हमने ये अपने 29 फंदे बुन लिए हैं और 29 फंदे ही मेरे इधर बचे हैं। अब हम यहाँ से मोढ़े की गले की कटाई करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे इस फंदों को हम इधर ही छोड़ देंगे, यहाँ से हम 29 फंदों में से सबसे पहले यहाँ पर हम दो फंदों की कटाई करेंगे, दो का एक बनाएंगे और आगे के सारे फंदे हम ऐसे सीधे ही बुनेंगे। ये फंदे सारे हम ऐसे ही सीधे बना लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड हैं और उल्टी साइड से अब हम अपनी ये पूरी सिलाई ऐसे उल्टी निकाल लेंगे। जो हमारे फंदे 28 फंदे हमारे इधर ही होंगे, अब इन 28 फंदों को हम ऐसे उल्टा ही बना लेंगे। देखिए 28 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए हैं। अब हम यहीं से सिलाई को वापस मोड़ेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से दो फंदों का एक करेंगे, फिर आगे के सारे फंदे हम ऐसे सीधे वाले ही बनाएंगे। ये सिलाई निकाल कर अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई अपनी ऐसे उल्टी वाली ही निकाल लेंगे। ये पूरी सिलाई हम ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और यहीं से हमने सिलाई को वापस किया है। अब दोबारा से हम दो फंदों का एक करेंगे, फिर ये पूरी सिलाई हम ऐसे सीधी निकाल लेंगे।
अब हम इसकी उल्टी साइड हैं और उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम वैसे ही उल्टी निकाल लेंगे। इस तरीके से ये सिलाई बना लेंगे। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। फिर हम दोबारा से यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे और पूरी सिलाई आगे अपनी सारी ऐसे सीधी वाली बना लेंगे और उसके बाद उल्टी वाली सिलाई निकाल लेंगे। हमने अपनी ये उल्टी सिलाई भी निकाल ली है। अब हम इसकी दोबारा से सीधी साइड आ गए हैं। फिर हम दोबारा से यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे और पूरी सिलाई ऐसे सीधी निकाल लेंगे और उल्टी सिलाई भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम दोबारा से सीधी साइड आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर पांच बार फंदे घटा चुके हैं, हम 1 2 3 4 5 सीधी सिलाई में हमने हर सिलाई में दो फंदों का एक किया है, ऐसे ही हम पांच बार और सीधी सिलाई में ही दो फंदों का एक करेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकालेंगे। ऐसे ही हम पाँच बार और कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये 10 बार यहाँ से घटाई कर ली है। हर सीधी सिलाई में मैंने दो फंदों का एक किया है, इससे हमारी ये टोटल 20 सिलाइयाँ निकल गई हैं, 10 सीधी और 10 उल्टी। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम देखिए तीन सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी, हम तीन सिलाई ऐसे बिना घटाई के निकाल लेंगे। देखिए इसमें मैंने एक भी फंदा नहीं घटाया, ऐसे ही हम पूरी सिलाई ऐसे बना लेंगे। ये सिलाई पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी वाली ही बना लेंगे, पूरी सिलाई बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी सीधी सिलाई की तरफ आ गए हैं। अब हम यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे। बीच में हमारी तीन सिलाइयाँ निकली है। यहाँ पर हमने फंदा सीधी सिलाई में घटाया था, उसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी निकाली, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी। अब इस सीधी सिलाई में हम दो फंदों का एक करेंगे और फिर आगे पूरी सिलाई हम ऐसे ही निकाल लेंगे अपनी सीधी। अब देखिए हम उल्टी साइड हैं, हम अब यह सिलाई भी अपनी पूरी ऐसे उल्टी निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ये सिलाई भी बना लेंगे अपनी। अब हम सीधी साइड हैं और सीधी साइड से अब हम यहाँ पर फंदा एक भी नहीं घटाएंगे। बिना फंदा घटाए हम पूरी सिलाई ऐसे एक सिलाई सीधी निकालेंगे और एक सिलाई उल्टी निकालेंगे। हमने अपनी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई और निकाल लिया है। अब हम दोबारा से यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे इस तरीके से और पूरी सिलाई हम ये सीधी निकाल देंगे और एक सिलाई उल्टी निकाल लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गले की लंबाई हमने कटाई करके पूरी कर ली है और ऊपर मेरे ये 17 फंदे बचे हैं। अब हम इसी तरह से यहाँ पर धागा ज्वाइन करके इधर से भी हम अपना इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इधर से दो फंदे लेंगे, एक और एक, दो फंदे लेकर हम यहाँ पर धागा भी ज्वाइन करेंगे और इन दो फंदों का एक कर देंगे। इधर से फ्रेंड्स, हमने सीधी सिलाई में दो फंदों का एक किया और इधर की साइड से हमारा उल्टी सिलाई में दो फंदों का एक होगा। और देखिए आगे हम पूरी सिलाई अपनी ऐसे सीधी निकाल लेंगे और इस धागे को हम ऐसे दबा देंगे यहाँ पर। ये देखिए पूरी सिलाई इसी तरह से बुनते हुए हम ये निकाल लेंगे। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड से पूरी सिलाई फ्रेंड्स हम अपनी ऐसे सीधे वाली ही निकाल देंगे। देखिए ये सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी उल्टी साइड हैं और उल्टी साइड से फिर हम दो फंदों का एक करेंगे यहाँ पर ऐसे। हम इधर की कटाई भी फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने इधर से की थी अपनी, सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। जैसे हमने इधर की कटाई की है, ऐसे ही हम इधर की भी कटाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने दोनों तरफ से गले की कटाई करके इसकी लंबाई पूरी कर ली है और अब हम दोनों पीस को आपस में ज्वाइन करेंगे, फ्रंट पीस को भी और बैक पीस को भी। देखिए हमारा बैक पीस है, इस पर हम ऐसे सीधे की साइड सीधा ऐसे रखते हुए इस तरीके से हम इधर से ज्वाइन करेंगे, फिर इधर से ज्वाइन करेंगे। इसके देखिए हम जो हमारा ये धागा है, इसके लिए हम एक फंदा आगे की सिलाई में से, एक पीछे की सिलाई में से लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे।
फिर दोबारा फिर ऐसे ही दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेके दो फंदों को एक करेंगे और पहले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर हम दोबारा से ऐसे ही दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे, पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने इधर से भी ज्वाइन कर लेंगे और इधर के भी हम इधर वाले फंदे से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए हमने अपने ये मुड्डा यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है दोनों तरफ से। अब हम इस सिलाई में फ्रेंड्स इधर से 17 फंदे छोड़कर बाकी के फंदे हम अपने सिलाई में ऐसे उतार लेंगे। बीच के जितने फंदे हैं हमारे हम ऐसे ही इस सिलाई में उतारेंगे और 17 फंदे इधर से छोड़ लेंगे। अब हम ये सारे फंदे ही इसी सिलाई में कर लेंगे। सारे फंदे ही सिलाई में उतारेंगे। इस आगे वाली सिलाई के फंदे भी हम दूसरी सिलाई में पलट लेंगे। इस तरीके से और अब हम इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। जैसे हमने इधर से ज्वाइन किया है ऐसे यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से अपने मोड़े ज्वाइन कर दिए हैं और मैंने इसको सीधा किया है। अब हम सीधा करके इधर से भी फंदे उठाएंगे गले के लिए और इधर से भी फंदे उठाएंगे। हम देखिए हमारा ये धागा है यहाँ पर, इसी से हम आगे फंदे उठाते हुए जाएंगे। इसका गला फ्रेंड्स हम देखिए हमने वाइट कलर का बॉर्डर बनाया है तो इसका गला भी हम वाइट कलर से बनाएंगे। इस धागे में यहाँ पर हम धागा ज्वाइन करेंगे ये इस तरह से और इस धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा काटते हुए इसे हम यहाँ पर कट करेंगे और अब हम ये गले वाली सिलाइयाँ लेंगे जो हमारी दोनों तरफ से नोक होती है जिसकी, और यहाँ से हम फंदे उठाएंगे इधर से ऐसे वाइट कलर से हम फंदे उठाते हुए जाएंगे। इस तरीके से देखिए हम इधर से भी फंदे उठाएंगे और इधर से भी फंदे उठाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने 30 फंदे ये इधर से उठाए, 30 फंदे इधर से उठाए और एक फंदा हमने जो हमारे बीच वाला हिस्सा है फ्रंट साइड का एक फंदा हमने यहाँ से उठाया है। इधर वाली सिलाई में हमारे 31 फंदे हैं, इधर 30 हैं और पीछे वाले में हमारे 26 फंदे हैं। पीछे वाले पीस में फ्रेंड्स हम अपने 4 फंदे और बढ़ाएंगे। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पीछे वाली सिलाई से ही हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक फंदा अपना ऐसे सीधा बना लेंगे, आगे धागा करेंगे और देखिए जो हमारा यहाँ पर इतना गैप है ये यहाँ से एक फंदा ऐसे उल्टा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। अब एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, देखिए जो हमारा आगे वाला फंदा है इसके बीच में से एक बार ऐसे सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। इस तरीके से हम इधर पीछे वाले पीस में अपने 4 फंदे बढ़ाएंगे, 2 हमने बढ़ा लिए हैं, 2 फंदे और हम बढ़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स पीछे वाले पीस में अपने अपने 30 फंदे कर लिए हैं, 4 फंदे मैंने इसमें बढ़ाए हैं। अब देखिए जो हमारा इधर की साइड का है इधर से भी हम अपना ऐसे ही बुनेंगे। ये फंदा मेरा उल्टा आया है, धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करते हुए हम एक फंदा अपना ये सीधा बनाएंगे इस तरीके से और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम अपने इस सिलाई के लास्ट तक जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई हमने अपने निकाल ली है, एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए। लास्ट का फंदा हमने इसी सिलाई में छोड़ दिया है। अब देखिए एक तो फंदा हम ये लास्ट का ये लेंगे और ये वाला फंदा हमारा बीच वाला फंदा है, एक फंदा हम इससे आगे वाला लेंगे ऐसे और इन दो फंदों का यहाँ पर हम एक करेंगे। देखिए इसी सिलाई में डाल लेंगे इस फंदे को भी, इसमें से एक आगे वाला फंदा ये वाला,
जो हमारा इस सिलाई का है और एक फंदा इस सिलाई का, दोनों फंदों को लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। अब एक फंदा हम ये नीचे उतारेंगे, बीच वाले फंदे को हम सिलाई में डालेंगे, पीछे वाले फंदे को भी नीचे उतार देंगे। अब हम दोनों फंदों को ही सिलाई में डालकर जो हमारा पीछे वाला फंदा है इसे हम इसके ऊपर से उतार देंगे और इस फंदे को हम सिलाई में डाल लेंगे। इधर हमारा सीधा फंदा है लास्ट का, इधर से भी हम सीधा फंदा ही बनाएंगे ऐसे। फिर हम आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे ही करते हुए फ्रेंड्स ये सिलाई भी हम अपनी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई निकाल कर अब हम अपनी बैक साइड वाली सिलाई पे आ गए हैं। इसमें पहला फंदा हमारा ये सीधा है, इसे हम सीधा बनाएंगे, आगे धागा करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी इस सिलाई के भी बना लेंगे और इस सिलाई के भी यहाँ तक के फंदे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी ये सिलाई निकालते हुए यहाँ तक आ गए हैं जहाँ से हमारा ये बीच वाला फंदा है। अब हम यहाँ पर फिर तीन फंदों का एक करेंगे। देखिए हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इस फंदे को नीचे उतार कर इस वाले फंदे को हम सिलाई में डालेंगे और जो हमारा बीच वाला फंदा है इसको हम ऐसे इस सिलाई में ही डाल देंगे और तीन फंदों का एक करेंगे। एक फंदा हम इधर वाली सिलाई में से लेते हैं, एक फंदा इधर वाली सिलाई में से, और बीच वाला फंदा हमारा ये वाला होता है। देखिए तीन फंदे लेंगे और पीछे की साइड से हम इन तीन फंदों का एक कर देंगे। देखिए इससे हमारी ये चेन यहाँ पर बनती जाएगी बीच में। देखिए ऐसे आनी स्टार्ट हो गई हमारी। अब हम आगे जैसे हमारा बॉर्डर है वैसे ही बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये छह सिलाइयाँ निकाल लेंगे। देखिए दो सिलाइयाँ हमारी निकल चुकी है, यहाँ तक बनाने के बाद हमारी दो सिलाइयाँ निकल चुकेंगी। दो बार हमने ये फंदे यहाँ पर घटा दिए हैं, चार बार और हम यहाँ पर ऐसे ही फंदे घटाएंगे और चार सिलाइयाँ और हम अपनी ऐसे गले की निकाल लेंगे। देखिए हमने अपने गले की लंबाई बना ली है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हम बैक साइड से ही हमने स्टार्ट किया था, यहीं से हम फंदे बंद करना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा अपना हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जो हमारा उल्टा है इसके ऊपर से पहले फंदे को उतार देंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर हम इस फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे, आगे धागा करेंगे, फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर हम इसे इसके ऊपर से उतार देंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसे भी इसके ऊपर से उतार देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने ये सारे फंदे बंद करेंगे, इस सिलाई के भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी सारे फंदे बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। अब हम इसके लास्ट फंदे पर हैं, इसे हम ऐसे सिलाई में डालकर, और देखिए जो हमारा अगला फंदा है ये वाला फंदा, इसके अंदर से ऐसे एक फंदा बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पर हम इन दो फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से, और अब हम यहाँ पर धागा कट करेंगे। धागा कट करके इसको हम इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसे हम बाद में सुई के साथ यहाँ पर पक्का करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके मोड़े बनाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ से हम धागा ज्वाइन करेंगे, इसमें जहाँ से हमने ये मोड़े के फंदे कटाए थे, सिलाई निकालेंगे और एक फंदा ऐसे हम इधर से ऐसे बनाते हुए, देखिए ऐसे, फिर हम फंदे उठाएंगे। देखिए अब हम यहाँ से लेकर फ्रेंड्स अपने यहाँ तक के फंदे उठाएंगे, दोनों तरफ के जो हमने ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ तक के। मैं ये फंदे उठा लेती हूँ,
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मोड़े की तरफ से फंदे उठा लिए हैं। हमने ये टोटल 60 फंदे उठाए हैं, 30 फंदे इधर की साइड से और 30 फंदे इधर की साइड से। अब हम इनको अपना बॉर्डर बनाएंगे। इन पर सबसे पहले हम पहला फंदा अपना ऐसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर उल्टा, सीधा। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये अपनी पूरी सिलाई निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली सिलाई हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से भी हम अपना ये बॉर्डर ही बनाएंगे, सीधे फंदे पर सीधा, उल्टे फंदे पर उल्टा। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये चार सिलाइयाँ निकाल लेंगे, चार और सिलाइयाँ निकाल लेंगे। दो तो हमारी निकल चुकी, एक में फंदे उठाए, एक उल्टी सिलाई में हमने बॉर्डर डाला। अब हम चार सिलाइयाँ और अपनी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, हमने अपनी ये छह सिलाइयाँ मोटे की निकाल लिया है। अब हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर दोबारा से ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। ऐसे करते हुए हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे और इसी तरह से हम अपना दूसरी तरफ का मोड़ा भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ के अपने मोड़े बना दिए हैं, इधर का भी और इधर का भी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे हम सीधा बीच में लेते हुए उल्टी तरफ से इधर से भी सिलाई करेंगे और इधर से भी सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस स्वेटर की साइड से सिलाई कर दी है और बनने के बाद हमारा स्वेटर ऐसा दिखाई दे रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।